हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिंथेसिस का पार्ट नंबर 5 इन्फिनेटिव बताने वाला हूं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे और अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन्फिनेटिव के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले मैं सिंथेसिस की 4 वीडियो डाल चुका हूँ और उसको आप अच्छी तरीके से देख करके आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं इन्फिनिटिव के बारे में। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे हम। इन्फिनिटिव की जो पहचान होती है उसमें देखो इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव में जो होता है वर्ब में तुमको क्या लगा देना है, वर्ब में टू लगा देना है। टू आपको पहले लगाना है और इसका मतलब हो जाता है, जब टू आप लगाओगे तो इसका मतलब हो जाता है ना नी ने। जैसे वह उसको खेलना पसंद है, तो खेलना जहाँ पर खेलना कूदना दौड़ना भागना ऐसा कुछ भी वर्ड आता है वहाँ पर क्रिया में आप नहीं लगा दोगे। तो इसकी पहचान देख लेंगे इन्फिनिटिव की। इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में देखेंगे। इन वाक्यों से पहले क्या होता है, इन वाक्यों में जो पहले वाक्य में जैसा जो दो वाक्य होंगे तो पहले वाक्य को आपको ज्यों का त्यों रखना है, जिस प्रकार से लिखा हुआ पहले वाक्य सेम वैसे ही आपको लिख देना है। तथा जो दूसरा वाक्य होगा आपको ध्यान से देखना, जो दूसरा वाक्य होगा वाक्य में जहाँ से टू स्टार्ट होता है, क्या आपको देखना है, जहाँ से टू प्रारंभ होता है उस वाक्य को आपको नोट कर लेना है। एक एग्जाम्पल देखेंगे एक एग्जाम्पल ही वेंट टू आगरा, पहला सेंटेंस हो गया ही वेंट टू आगरा। और दूसरा सेंटेंस हमने क्या कहा, जहाँ से आपको ही वांटेड टू सी द ताज, तो हमने कहा कि आप क्या करेंगे, जहाँ से टू सेंटेंस मिल जाए, टू मिल जाए वहाँ से आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको नोट कर लेंगे और हम देखेंगे बहुत ही ईजी तरीके से कि ही वेंट टू आगरा, पहला सेंटेंस जैसा कि हमने डिफिनेशन में लिख दिया है कि ही वेंट टू आगरा, ये सेम वैसे ही रहेगा और आपको टू से दूसरा सेंटेंस यहाँ पर नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन्फिनेटिव जो कि शॉर्ट विधि से हम बता रहे हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, पहला सेंटेंस वैसे नोट कर लेना है और दूसरे सेंटेंस में जहाँ से टू लिखा हो, टू मीन्स क्या होता है, टू यानी वर्ब, उसको आपको नोट कर लेना है। तो हम और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखेंगे यदि किसी वाक्य में ऐसा कोई वाक्य है जिसमें कैन नॉट आ जाए, कैन नॉट आ जाता है या कुड नॉट आ जाता है, बहुत ईजी है। आप देखेंगे बहुत से ऐसे वर्ड आएंगे, ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें कैन नॉट या कुड नॉट आ जाएगा। अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, उसको आपको टू में बदल देना है, हटा करके उसको टू में बदल देना है। एक एग्जाम्पल देख लेंगे, यू आर वेरी फैट, आप बहुत मोटे हैं। यू कैन नॉट रन फास्ट, आप तेज नहीं दौड़ सकते। तो यहाँ पर देखेंगे कैन नॉट वर्ड आ गया, अभी कैन नॉट आया तो हमने कहा कि आपको कैन नॉट को हटा करके टू लगा देना है। तो यू आर वेरी फैट, टू रन फास्ट, आप इतने मोटे हैं कि दौड़ नहीं सकते। तो ये इस प्रकार से आपको सेंटेंस कर देना है। तो आज इसकी एक्सरसाइज भी देख लेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए। तो एक्सरसाइज में देखेंगे पहला वर्ड लिखो, लिखा पहला सेंटेंस लिखा हुआ ही वेंट टू लखनऊ, आप देखेंगे ही वेंट टू लखनऊ लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ ही वांटेड टू सी द जू। तो यहाँ से हमने कहा कि आपको करना क्या है, जहाँ से टू लिखा हुआ है यहाँ से नोट कर, पहला सेंटेंस वैसे ही नोट करना है, तो ही वेंट टू लखनऊ, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ टू सी द जू लिखा हुआ वहीं से आपने ये टू सी द जू नोट कर दिया। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी तरीके से आपको इन्फिनेटिव समझ में आ रहा होगा। आगे भी एग्जांपल देख लेंगे जिससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। आई हैव फाइव बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। आई हैव टू रीड देम, मैंने उनको पढ़ लिया है। तो पहला सेंटेंस हम वैसे ही सेम लिख लेंगे, आई हैव फाइव बुक्स, मेरे पास पांच किताबें हैं।
अब दूसरे सेंटेंस क्या करेंगे, जहाँ से टू लिखा हुआ हमने कहा वहीं से नोट कर देना, टू रीड देम, पढ़ने के लिए है। तो बहुत ईजी है इन्फिनिटिव को समझना। और सिंथेसिस जो लोग कहते हैं कि सिंथेसिस बहुत कठिन है, वो हमारा यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन कर लें और उनको पूरी इंग्लिश अन्य सब्जेक्ट भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएँ। इसके बाद में एग्जाम्पल देख लेंगे। द बॉय स्टडीज हार्ड, द बॉयज, लड़का बहुत कठिन परिश्रम करता है। ही वॉन्टेड टू सिक्योर गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर लाना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ही द बॉय स्टडीज हार्ड, पहला सेंटेंस हमने जैसा बताया कि जैसे लिखा हुआ सेम वैसे ही कर देना है। दूसरे सेंटेंस में क्या करना है, जहाँ से आपको टू मिल जाए, यहाँ से देखो टू मिल रहा है, यहाँ से टू मिल रहा है हमको, हम ऐसे ही नोट कर देंगे, यहाँ से टू, यहाँ से ही नोट कर देंगे। ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया कम्प्लीट, यानी द बॉयज स्टडीज हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी ट्रिक है और इसको आप पूरा वीडियो देखिए और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल नंबर फोर भी ले लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर फोर देखेंगे। हरी कीप सम डॉग्स, हरी के पास कुछ डॉग्स यानी कुत्ते हैं। द दे गार्ड हिज हाउस एट नाइट, वो रात में उसके घर की रखवाली करते हैं। तो यहाँ पर देखो टू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने बताया कि जहाँ पर टू नहीं लिखा है वहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्रिया से पहले टू लगा देना। तो पहला सेंटेंस आपको ऐसे ही पूरा लिखना है, सेम कुछ नहीं चेंज करना है, हरी कीप्स एम डॉग। दूसरे सेंटेंस में हमने क्या बताया, क्रिया से पहले टू, यहाँ एक हमको वर्ब मिल गया, क्रिया मिल गई, इससे पहले हम टू लगा देंगे, टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। तो आपने देखा बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर टू के बाद वाला सेंटेंस वैसे ही नोट कर लिया गया। तो आपको यही करना है अपनी एक्सरसाइज में, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको देखना है जहाँ से टू मिल जाए वहाँ से आपको नोट कर देना है इन्फिनिटिव का। फिर देखेंगे पांचवा एग्जांपल भी देख लेंगे, जिससे बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाए। वी हैव नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। वी कैन नॉट स्पेयर इट, मैं इसे खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पर देखेंगे वी हैव नो मनी, पहला सेंटेंस जैसा कि हमने बताया आपको वैसे ही लिखना है, सेम वैसे ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। दूसरे सेंटेंस में हमने भी आपको दूसरी नियम भी लिखा दिया है, शॉर्ट में नियम बता दिया आपको, तो आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और कभी भी आप भूलेंगे नहीं इस नियम को। कैन नॉट को हटा कर देना है टू, क्या कर देना है टू, तो यहाँ पर हम टू कर दिए, यहाँ से लिख देंगे टू स्पेयर इट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस प्रकार से इन्फिनिटिव, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया गया है। और इसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट की सारी वीडियो आपको ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से अच्छी सी वीडियो अपनी प्रिपरेशन के लिए पानी है, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए, जिससे कि आने वाले जो अच्छी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।